यूपी तो राजनीतिक किस्सों का गढ़ है और आगे भी बना रहेगा। किस्सों की यहाँ कोई कमी नहीं है। चुनाव 2022 दहलीज पर है। अब चाय की दुकानों पर बात से बात निकलेगी। एक किस्सा खत्म होगा और दूसरा उसका सीरा पकड़कर आगे बढ़ जाएगा, पर किस्से जारी रहेंगे। आज की पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे चंद्रभान गुप्ता की। चंद्रभान गुप्ता यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। लखनऊ और चंद्रभान गुप्ता एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताजुब करेंगे कि विरोधी उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाते थे, पर चंद्रभान गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालत यहां तक आ गई कि वे खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभान गुप्ता चोर है। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रभान गुप्ता की मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे। अब अगर हम चंद्रभान गुप्ता के निजी जीवन पर नजर डालें तो मूल रूप से वे अलीगढ़ के बिजौली के रहने वाले थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे। चंद्रभान का मन भी समाज सेवा में रम गया। वे आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शुरुआती पढ़ाई उनकी लखीमपुर खीरी जिले में हुई। फिर वो लखनऊ आ गए, लखनऊ में कानून की पढ़ाई की और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। चंद्रभान ने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए। करीब 10 बार जेल गए। हाँ, मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के लिए बनाया गया जो बचाव दल था उनमें से एक वकील चंद्रभान गुप्ता भी थे। अब अगर उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करें तो चंद्रभान ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन की। अपनी मेहनत के बल पर वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। यूपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष बनाए गए, पर नेहरू को चंद्रभान भाते नहीं थे। चंद्रभान यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन गए थे। कहा जाता था कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभान का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभान के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने सष्टांग करते थे। चंद्रभान यूपी के 3 बार सीएम थे। पहली बार 1960 से 1963 तक, दूसरी बार 1967 के चुनाव में जीतने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने, पर सिर्फ 19 दिनों के लिए। और 1969 में चंद्रभान गुप्ता ने एक बार फिर सीएम पद की जिम्मेदारी उठाई। 11 मार्च 1980 को चंद्रभान गुप्ता ने इस रहती दुनिया को अलविदा कर दिया। जब भी किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रभान आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रभान गुप्ता के दुश्मन तो बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभान गुप्ता के अंदाज निराले थे। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, पत्रिका उत्तर प्रदेश से, आगे भी आपको पॉलिटिकल किस्से सुनाता रहूंगा।